चौरई नगर पालिका चुनाव से पहले रविवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। चौरई बाईपास पर एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी का प्रचार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क किनारे खंती में गिरे वाहन में सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं चालक समेत 7 बच्चे घायल हैं। घायलों को चौरई अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। चौरई अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की एक बार फिर पोल खुल गई। घायलों को इलाज के लिए चौरई अस्पताल लाया गया। यहां से प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। घायलों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने पर स्थानीय लोगों ने निजी वाहनों से घायलों को जिला अस्पताल पहुँचाया।